देखो लगभग करेंट वोल्ट आप बना रहे हैं, वोल्टेज वर्सेस वोल्टेज इन वोल्ट वर्सेस करंट इन एम्पेयर का ग्राफ जब आप बनाइएगा, ये क्या बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन क्यों, वाई ऐसा, इसको हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। V इज इक्वल टू आई आर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। Y एक्सिस पर कौन है? V है। X एक्सिस पर कौन है? I है। तो स्लोप जो टेन थीटा के बराबर होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस है, किसी भी एक पॉइंट पर जब आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, किसी भी एक पॉइंट पे जब आप एक क्या बनाइएगा, ट्रायंगल बनाइएगा, या आप थीटा लीजिएगा, तो ये इस तरफ यहाँ पर ये वी होगा और ये क्या होगा? आई होगा। तो आप लिखेंगे स्लोप विच इज इक्वल टू एम विच इज टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाई आई, और v इज इक्वल टू आई आर में v बाई आई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे r मिलेगा। तो जो m है स्लोप वो किसके बराबर है? r के बराबर है। m जो है वो किसके बराबर है? r के बराबर है। और ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्लोप है वी आई ग्राफ का, वो आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बढ़े आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, जब आप देखो, सीधा देखो, अब आप क्या बना रहे हैं? आईवी ग्राफ बना रहे हैं। दिस टाइम यू आर मेकिंग विच ग्राफ? आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ बनाइएगा, ये भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये है करंट इन एम्पेयर का ग्राफ वर्सेस वोल्टेज इन वोल्ट का ग्राफ। और जब आप करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं, इसका स्लोप क्या देगा? तो अब यहां देखिए, v इज इक्वल टू किसके बराबर? आई आर के बराबर। आई कैन बी रिटन एज v इंटू वन बाई आर। अब हमारे y एक्सिस पर कौन है? y एक्सिस पर कौन है? करंट है। x एक्सिस पर कौन है? वोल्टेज है। और ये क्या हो गया? m हो गया। इंटरसेप्ट क्या है? जीरो है। जब आप इसको कंपेयर करिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो आपका स्लोप है m, वो किसके बराबर आया? 1 अपॉन r के बराबर। जो स्लोप है वो किसके बराबर आया? 1 अपॉन आर के बराबर। और जो स्लोप निकल के आया है, वहां से आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? आप यहां डाल सकते हैं द स्लोप ऑफ आईवी कर्व। अब हम लोग पहले क्या लिख रहे थे? वी आई कर्व। अब यहां क्या लिख रहे हैं? आईवी कर्व। द स्लोप ऑफ आईवी कर्व इज रेसिप्रोकल, RESICI, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है?
व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज कंडक्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज कंडक्टिविटी. ये क्या है? कंडक्टिविटी. यानी स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ आपको क्या देगा? स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ आपको क्या देगा? कंडक्टिविटी देगा. किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर दीजिए, थीटा बना लीजिए. तो यहां पे आप देखिएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस. यहां पे परपेंडिकुलर क्या आएगा? करंट. और यहां आएगा भी. तो टेन थीटा इज इक्वल टू आई बाई भी. और आई बाई भी किसके बराबर होता है देख लीजिए. आई बाई भी इज इक्वल टू वन बाई आर के बराबर होगा. तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया? वन बाई आर के बराबर हो गया. वन बाई आर के बराबर हो गया. ठीक है, तो ये वन बाई आर के बराबर. सो वन बाई आर इज इक्वल टू आई बाई भी. और ये आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए. और वन बाई आर ही किसके बराबर है? कंडक्टिविटी के बराबर है. दिस इज ओनली इक्वलेंट टू कंडक्टिविटी. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग को क्या देता है? कंडक्टिविटी देता है. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी. एक क्वेश्चन लिखिए. राइट,